तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बेस्ट पेन ड्राइव कौन सी है और कौन सी पेन ड्राइव आपके मोबाइल के लिए अच्छी रहेगी, आपके पीसी के लिए अच्छी रहेगी या आप बोल दें आपके लैपटॉप के लिए अच्छी रहेगी। ये दोस्तों जितनी भी पेन ड्राइव है मेरे पास इसको छोड़ के ये सब विद ओटीजी वाली है, मतलब आपके मोबाइल में भी लगेंगी और आपके पीसी या लैपटॉप में भी लगेंगी। तो ये पेन ड्राइव देखिए दोस्तों मैंने अमेजोन से मंगवाई है, अगर आपको खरीदनी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। तो ये देखिए डुअल ड्राइव 3.0 की स्पीड और सैनडिस्क अल्ट्रा जो है, मेरा मतलब सैनडिस्क की जो है ये पेन ड्राइव है और 5 साल की जो है इसकी लिमिटेड वारंटी या बोल दें गारंटी है। तो इसको थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये बेस्ट पेन ड्राइव है, तो और भी मैं बता रहा हूँ, एक कंपनी को और बताऊँगा आपको थोड़ा सा, मैं इसको आपको खोल के बता दूँ। ये देखिए तो दोस्तों ये है सैनडिस्क की पेन ड्राइव और ये देखिए विद ओटीजी है। तो ये देखिए दोस्तों ये सैनडिस्क की पेन ड्राइव जो है ये आपके जो है पीसी में लग जाएगी, इधर से ऐसे आप थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, ये पीसी में लग जाएगी और ये जो है इस साइड से जो है आपकी ये लग जाएगी आपके मोबाइल में। ये माइक्रो यूएसबी है, ठीक है ना। ये देखिए माइक्रो यूएसबी, मतलब माइक्रो यूएसबी अगर आपका मोबाइल सपोर्ट मेरा मतलब आपका माइक्रो यूएसबी वाला मोबाइल है तो उसमें लगेगी और यूएसबी 3.0 ये आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप में लग जाएगी। तो किसी किसी के दोस्तों सी टाइप के रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल का जो पोर्ट है ये सी टाइप का है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये देखिए ये स्ट्रॉन्टियम की पेन ड्राइव, ये भी काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है। मैं दो पेन ड्राइव को आपको रिकमेंड करूँगा, एक तो स्ट्रॉन्टियम और दूसरी जो है ये वाली सैनडिस्क, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्टियम की देखिए दोस्तों 32 GB की पेन ड्राइव है और ये देखिए ये सी टाइप वाली है। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि आपका मोबाइल माइक्रो यूएसबी वाला है या तो सी टाइप पोर्ट वाला है। तो दोस्तों ये जो है मैंने देखे बहुत सारी पेन ड्राइव हैं, अब आप सोच रहे हो ये वाली पेन ड्राइव कौन सी है। तो दोस्तों ये वाली सैनडिस्क की पेन ड्राइव है। एक्चुअली क्या है, इनके लॉक ख़राब हो जाते हैं और अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों मेरी पेन ड्राइव के मैंने जो है इसको ऊपर का जो ये आपको कवर दिख रहा होगा प्लास्टिक का, मैंने तोड़ दिया क्योंकि मुझे जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती थी बार बार ये अपने मोबाइल में लगाने में। फिर उसके बाद जो है ये ऐसे इसको जैसे लैपटॉप में लगाना है तो बार बार मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इरिटेट होता था इसको ऐसे करने में। ये देखिए अब ये इधर से जो है ये कई बार तो दोस्तों लगाते समय ये अंदर चली जाती है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये सैनडिस्क का ही ऊपर का कवर तोड़ दिया है। ये देखिए दो पेन ड्राइव थी मेरे पास पहले, क्योंकि मेरे पास जो है माइक्रो एक मोबाइल जो माइक्रो यूएसबी सपोर्ट करता है जो कि रेडमी का नोट 5 प्रो है और एक ये नोट 9 है जो कि सी टाइप सपोर्ट करता है। तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रॉन्टियम की 32 GB वाली मंगवाई जो सी टाइप वाली है, ठीक है ना। तो अब ये दोस्तों ये बेस्ट पेन ड्राइव है और ये जो सैनडिस्क की पेन ड्राइव है दोस्तों ये नॉर्मल पेन ड्राइव 2.0 सपोर्ट करती है। तो ये पेन ड्राइव मेरे पास पहले से थी तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इरिटेट होता था, बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी कम है, ठीक है ना। ये इन पेन ड्राइव की खास बात है दोस्तों ये 3.0 मेरा मतलब 3.0 जो सपोर्ट करती हैं इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है ना। ये जितनी पेन ड्राइव हैं सब जो है 3.0 वाली हैं और ये है 2.0। तो इसमें काफ़ी इरिटेशन होता था, कोई भी डेटा वगैरह या कोई मूवी वगैरह भी आप कॉपी कर रहे हैं तो बहुत स्लो होता था, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता था मुझे। तो मैंने इसको जो है बदल दी, इसको आजकल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पेन ड्राइव खरीद रहे हैं तो ये ऐसी वाली पेन ड्राइव ना खरीदें, नॉर्मल पेन ड्राइव आप खरीदें ये विद ओटीजी और 3.0 मतलब इसकी जो डेटा कॉपी करने की स्पीड काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये देखिए इसमें लिखा 130 Mbps तक स्पीड मिल सकती है, तो 130 तक मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको 130 Mbps ही मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिस पर डिपेंड करता है, क्या आप सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहे हो या कोई मूवी कॉपी कर रहे हो और फिर आपकी थोड़ी कुछ सिस्टम की स्पीड भी होती है। लेकिन दोस्तों ये जो अगर पेन ड्राइव खरीदोगे तो आपको देखना खुद ब खुद पता लग जाएगा इनकी काफ़ी अच्छी स्पीड है अगर इससे कंपेयर करें तो। ये तो मेरा मतलब बेकार है प्रकार से, मुझे पेन ड्राइव सही नहीं लगी। तो ये जो पेन ड्राइव पूरी 3.0 है और काफ़ी अच्छा है। और अगर अब मैं बात करूँ तो ये देखिए एक ही सैनडिस्क की हो गई और एक ये जो है आपके स्ट्रॉन्टियम की हो गई, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे दोनों में से कौन सी अच्छी, तो मैं दोनों को रिकमेंड करूँगा, दोनों अच्छी है। लेकिन अगर मैं किसी एक को मुझे बोलना है तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्टियम को बोलूँगा क्योंकि इसका जो है ना काफ़ी ये जो कवर है ये इतनी जल्दी नहीं टूटता और ये देखिए काफ़ी ईजिली आप इसको ऐसा कर सकते हैं और ये पीसी में लग जाएगी और इधर से जो है आपके मोबाइल में लग जाएगी। ये देखिए काफ़ी ये देखिए इस प्रकार से है ना। तो इनके जो रेट हैं थोड़ा तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे सैनडिस्क है स्ट्रॉन्टियम है और दोनों की जो गारंटी की बात करूँ तो दोनों जो है 5 ईयर्स की लिमिटेड गारंटी बोल दूँ वारंटी देते हैं
तो ये दोनों अच्छी हैं, तो रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे है इनका, लेकिन काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है ये दोस्तों। स्टोटियम की जो है 3.1 स्पीड तक जो है ये सपोर्ट करती है, मतलब इसकी जो स्पीड 3.1 है, मतलब ये जैसे 3.0 है तो ये 3.1 है। रेट थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे है सब में, आपका रेट रहेगा जैसे कितने जीबी की ले रहे हो, और फिर जैसे माइक्रो यूएसबी ले रहे हो आप, तो ये जो माइक्रो यूएसबी वाली है थोड़ी सस्ती आती है, सी टाइप वाली जो है जैसे आपका मोबाइल सी टाइप है तो ये थोड़ी सी महंगी आती है। बाकी ये तो दोस्तों सेम होता है आपके लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, तो ये तो नॉर्मल है ना। बाकी ये जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा सी टाइप और माइक्रो यूएसबी में, है ना। तो दोस्तों मैं ये दो पेन ड्राइव आपको रिकमेंड करूँगा, एक सैनडिस्क एक स्टोटियम की खरीद सकते हैं, और विथ ओटीजी वाली लीजिए और 3.0 वाली लीजिए। मेरे कई फ्रेंड हैं जिन्होंने ओटीजी वाली ली है, विथ ओटीजी है, लेकिन उनकी जो पेन ड्राइव है 3.0 नहीं है, ये मेन चीज़ होती है वो उनकी है 2.0, और उनका जो डेटा काफ़ी स्लो स्लो होता है और मेरा काफ़ी फास्ट जो है कॉपी हो जाता है। तो इधर एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस कवर को आपको संभाल के रखना है, जब भी आपकी पेन ड्राइव खराब हो जाएगी तो ये कवर आप सर्विस सेंटर पर दिखाओगे तो आपको पेन ड्राइव जो है रिपेयर हो जाएगी या तो नई मिल जाएगी, वैसे तो रिपेयर होती नहीं, नई मिलती है दोस्तों। और बिल है तो बिल भी संभाल के रखें, लेकिन ये कवर बहुत काम का है। एक और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप पेन ड्राइव गिराते हो या तो आप पानी में भिगा देते हो, तो उस कंडीशन में आपको पेन ड्राइव की वारंटी नहीं मिलेगी, इसलिए आप कोशिश करिए उसको गिराना नहीं और दूसरा पानी में भिगाना नहीं। और ऐसे ही खराब होती तो बिल्कुल आपको नई पेन ड्राइव मिल जाएगी। तो ये कवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी दोस्तों ये कवर बता के ही एक बार जो है नई पेन ड्राइव ले चुका हूँ। तो दोस्तों आपकी पेन ड्राइव तो 3.0 है, लेकिन आप जो लैपटॉप में या तो मैं बोल दूँ डेस्कटॉप में आप यूएसबी लगाते हो, वो पोर्ट आपके यूएसबी 2 3.0 है कि नहीं, तो मैं इधर पहचान बता देता हूँ कैसे आपको पहचान करना। देखिए एसएस लिखा होगा, एसएस मतलब सुपर स्पीड, ये जो है 3.0 यूएसबी पोर्ट होते हैं, तो आपकी पेन ड्राइव 3.0 है तो प्लीज़ आप इस पर ही लगाइए। तो ऐसा नहीं कि 3.0 पोर्ट है तो इसमें 2.0 पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 3.0 जब आपकी पेन ड्राइव है तो इसमें लगाइए, इसमें आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों कई लोग जो है 2.0 में लगा देते हैं और बोलते हैं कि हमारी पेन ड्राइव 3.0 है लेकिन स्पीड नहीं मिल रही। और एक चीज़ और बताता हूँ, जहाँ एसएस नहीं लिखा होगा वहाँ ब्लू कलर होगा अंदर, अगर यूएसबी के अंदर देखेंगे तो ब्लू कलर होगा। मान लीजिए ये देखिए केबल है, ये केबल आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये ब्लू कलर की, मतलब ये केबल जो है आपकी 3.0 सपोर्ट करती है। वैसे ही जो यूएसबी है, कोई भी यूएसबी में एसएस लिखा हो या तो अंदर से ब्लू कलर हो, तो आप समझ जाइए ये 3.0 तक जो है ये यूएसबी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है कौन सी पेन ड्राइव लेनी है या कौन सी अच्छी है, या आप कोई ऐसे डाउट में हैं, तो बिल्कुल कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा। और कोई पेन ड्राइव की लिंक चाहिए तो मैं बिल्कुल लिंक दे दूंगा, आप लिंक से जाके ऑनलाइन खरीद इजिली ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उस टाइप से बहुत सारे काम के वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टैक।